हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राम फ्रॉम इंडिया। टुडे जो है हम लोग वियतनाम में हैं। वियतनाम जो है काफ़ी अच्छी सिटी है, यहाँ पे इंडिया की तरह वेदर है। MBBS स्टूडेंट जो लोग पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस सिटी में। हम लोग जो अभी यूनिवर्सिटी जो है आप देख रहे होंगे, ये यूनिवर्सिटी जो है दायतान जो है यूनिवर्सिटी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ये। यहाँ से क्या होता है कि बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें होती है। आप यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि आप कहाँ पे हैं, किस सिटी में। इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप इस तरह से कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस है ये किस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर से ये है। आपको देखिए इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हैं इधर की बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया जो है काफ़ी वियतनाम का, और पास में यहाँ पे जो है आपको सी है, सी के पास में, बीच के पास में ये मेडिकल कॉलेज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये सिटी विजिट किया है, काफ़ी खूबसूरत सिटी है। अगर आप अपना मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छे सोसाइटी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एकोमेंडेशन के साथ स्टडी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ का वेदर भी काफ़ी आपको मुंबई की तरह होता है, पास में समुद्र है। यहाँ आपको ना तो कोल्ड ज़्यादा होती है, ना यहाँ पे गर्मी ज़्यादा आती है। काफ़ी यहाँ का जो वेदर जो है ना, काफ़ी फ्रेंडली वेदर है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप इस यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टडी होती है 6 ईयर के लिए। इसका कैरिकुलम दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ का कैरिकुलम सिलेबस भी आप मंगवा सकते हैं। उसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इंडिया का जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, अभी NMC नेशनल कमीशन जो भी है अपने इंडिया का, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको प्रॉपर फॉलो कर रही है। और यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं और यहाँ का एकोमेंडेशन अच्छा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टडी करने के लिए बच्चे के लिए सबसे बड़ी वेदर का इशू नहीं है। और ये जो है आपको महाराष्ट्र की तरह, मुंबई की तरह, वे ये सी है, जस्ट एक साइड सी है, दूसरी तरफ यहाँ पे माउंटेन टाइप का व्यू है। और यहाँ पे आपको ना तो ज़्यादा कोल्ड मिलेगा, ना आपको ज़्यादा आपको हॉट का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का एकोमेंडेशन भी अच्छा है और आप इजी यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी सिटी में आप अपना MBBS कोर्स कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने देख ही रहा है यहाँ का किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सिटी वियतनाम का एक काफ़ी अच्छी सिटी में से आती है और यहाँ का मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा है। सो दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना एडमिशन का सारा प्रोसीजर करें। और अगर इंडिया में एडमिशन नहीं होता है तो आप अपने आप को हिम्मत ना हारें, एक बजट में आपको एक अच्छी बेस्ट कंट्री, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट एकोमेंडेशन के साथ हम लोग आपको मेडिकल एजुकेशन MBBS कोर्स आप प्रोवाइड हम लोग वियतनाम से आप लोग को करवा के देंगे, जो नेशनल कमीशन जो गाइडलाइंस जो है उसको फुलफिल कर रही है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।